ये कितनी अच्छी जगह है कितना कुछ है पे देखने के लिए कैन यू जस्ट बाई मी दिस नेकलेस प्लीज ये बहुत अच्छा लग रहा है नेकलेस क्या नजारे अरे मैम आप अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हो लेक्चर है आज आपका अरे वेकेशन पर हूँ तो लेक्चर का मैम क्या लेक्चर भी तो करना है ना लेक्चर तीस तारीख को है तो तीस तारीख की तो है पता भी है मैं कहाँ कहाँ घूमी मालदीव्स घूमी मैं तो दुबई के डेजर्ट भी देखे मैंने और तो और अंडर वाटर कितने सारे ऑर्गेनिजम्स देखे और तो और अब तो मैं अमेजोन के फॉरेस्ट भी घूम आई पता है तो मैम चलो जो भी हो आपका अगर वर्ल्ड टूर हो गया हो तो लेक्चर कर लें हाँ, लेक्चर तो करना ही है ना हाँ, तो कर लेते मिलते हैं फिर लेक्चर पे चलो फटाफट फाइनली अंशीदार से तुम लोगों के पास पहुंचा ही दिया वही एक है जो तुम्हें मेरे पास टाइम से पहुंचा ही देता है हेलो बच्चा लोग जल्दी जल्दी आ जाओ आज के सेशन में आज का लास्ट चैप्टर है मुझे बहुत बुरा लग रहा है मगर क्या करूं सिलेबस इतनी जल्दी फट से खत्म हो गया क्या कर सकते हैं आज का पता भी है टॉपिक क्या है द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स अभी मैं कहाँ कहाँ घूम कर आई तुमको पता है डेजर्ट भी देखे मैंने फॉरेस्ट भी देखे अंडर वाटर कितने सारे ऑर्गेनिजम्स देखे मगर पता है हर जगह पे ना अलग अलग टाइप के मैंने बहुत सारे एनिमल्स देखे तो इसी को जानने के लिए आज हम देख लेते हैं कि अलग अलग जगह पे कैसे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं

जैसे कि आई एम मोर कम्फर्टेबल इन माई प्लेस इन माई होम क्योंकि मैं वहाँ रहती हूँ तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम हैबिटेक्ट बोलते हैं और क्या देखने वाले एक बार देख ले चले चलो मैम जल्दी जल्दी चलो टाइप्स ऑफ हैबिटेक्ट ऐसा तो नहीं है ना कि हम सिर्फ एक ही घर में रहते हैं हाँ मैम हम एक ही घर में रहते हैं मगर हम एक घर में, में रहते हैं ना सारे ऑर्गेनिजम्स कितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं कितने सारे एनिमल्स हैं उन सबके अलग अलग घर तो होते होंगे तो सबके अलग अलग हैबिटेट होते हैं वो आज हम पढ़ेंगे चलो आगे देख लेते हैं अडेप्टेशन पता है जो अडेप्टेशन वर्ड है ना दैट इज वेरी हैवी वो बहुत हैवी वर्ड है पता है क्यों क्योंकि अडेप्टेशन क्या होता है समटाइम्स हमें कुछ जगहें पसंद नहीं आती सपोज करो कि तुम किसी के घर गए सपोज अपने नेबर्स के या कभी चाचा मामा ताऊ के छुट्टियों पे गर्मियों के छुट्टियों पे गए तो तुम्हें पहले के दो दिन थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है फिर तुम उस चीज को अडेप्ट करते हो उस चीज को तुम्हारी आदत लगने में थोड़ा टाइम लगता है किसी भी नई जगह पे सेटल होने के लिए सेम एज इट इज उसी को हम क्या बोलते हैं अडेप्टेशन बोलते हैं समटाइम्स कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो इसलिए आज हम देखते हैं कि कौन से ऐसे हैं और कौन से ऐसे एनिमल्स जिन्होंने क्या चीजें आज हम ये भी देख लेते हैं बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो अडेप्ट करते हैं है ना वो भी चीज देख लेते हैं तो चले फिर आज थोड़ी इंटरेस्टिंग है यार

पहला पॉइंट क्या हो गया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो मुझे हर जगह पे दिख सकते हैं अर्थ पे चाहे वो पानी हो चाहे वो धरती हो चाहे वो लैंड पर हो है ना यही मैं बताना चाह रही थी स्लाइड से नाउ द नेचुरल लिविंग प्लेस द नेचुरल लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इट्स कॉल्ड इट्स हैबिटेट मतलब एक नॉर्मल और एक नेचुरल जगह जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है उस जगह को मैं क्या बोलती हूँ बेटा हैबिटेट बोलती हूँ क्या बोलती हूँ मैं हैबिटेट बोलती हूँ सो हैबिटेट की डेफिनेशन क्या हो गई बेटा हैबिटेट की डेफिनेशन हो गई द नेचुरल लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज इट हैबिटेट वो उसका घर होता है क्योंकि वो वहां पे कंफर्ट होता है उसको वहां पे कंफर्ट मिलता है राइट right? आगे चल ले देख ले जैसे आगे बढ़ के देखते हैं एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन इट हैबिटेट फॉर फूड वाटर एयर एंड शेल्टर एक्सेट्रा जैसे हम लोगों का घर होता है वैसे ही एनिमल्स का भी तो घर होता है ना वो भी एक पर्टिकुलर एक रीजन में रहते हैं एक प्लेस पे रहते हैं और उस पर क्या चाहिए होता है एक हैबिटेट में घर में क्या जरूरत होता है खाना पीना व्हाट हैविंग फूड वाटर

मंकी मिलेगा, एक जगह पे तुम्हें सिर्फ लायन मिलेगा बहुत सारे का रहते हो अपने बहन भाई के साथ तब मजा आता है या जब बिल्कुल में जाते, तुम्हारे कजिन साथ आते तब तुम्हें ज्यादा मजा आता है ना सेम एज इट इज एनिमल्स भी बहुत सारे एनिमल्स का एक ही हाब होता है जरा देखें क्या ऐसे कौन से एनिमल्स है देख लेते हैं ना द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल फीचर ना व्हाट इज दिस अडेप्टेशन बेटा जो ऐसे फीचर्स जो हर एक ऑर्गेनिज्म या हर एक एनिमल अडेप्ट करता है ताकि वो हैबिटेक्ट में रह पाए उसको मैं क्या बोलती हूँ बेटा अडेप्टेशन बोलती हूँ क्या बोलती हूँ अडेप्टेशन सो द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स कुछ हैबिट्स बहुत अच्छी होती हैं

कुछ स्नो में रहते हैं बहुत एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं उनकी कुछ अलग अडेप्टन है और तो और कुछ माउंटेन रीजन में रहते हैं है वो भी हम लोग देखेंगे आगे तो अभी तक समझ आया हम मैंने क्या क्या पढ़ाया मैंने पढ़ाया कि भाई हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या है? एक अपना है. क्या है 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 एक एक अपना मतलब होम कह सकती हूं मैं या एक ऐसी जगह जहां पे वो रहते हैं पाए जाते हैं के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कुछ अडेप्टेशन अडप्टेशन अडाप्टेशन अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू उंडिंग्स अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग यही हम लोगों ने पढ़ा है और अडेप्टेशन क्या है बेटा हैबिट्स सोटेन हैबिट्स सर्ट एन हैबिट्स विच एनेबल विच एनेबल प्लांट बल प्लांट एंड एनिमल टू लिव टू लिव इन सराउंडउंडिंग बेटा ऐसी कुछ आदतें जो एक एनिमल या प्लांट अपनाए ताकि वो सराउंडिंग्स में रह पाए उसको मैं क्या बोलूंगी अडेप्टेशन बोलूंगी है ना उसको मैं क्या बोलूंगी अडेप्टेशन बोलूंगी कि भाई टू लिव इन इट सराउंडिंग्स टू लिव इन इट सराउंडिंग्स बेटा वही मैंने आपको एक फ्लो चार्ट के जरिए समझाया है वही मैंने आपको एक फ्लो चार्ट के जरिए समझाया राइट समझ आ गया आपको टू लिव इन इट सराउंडिंग्स बेटा टू लिव टू लिव इन इट्स

डेजर्ट, फॉरेस्ट माउंटेन्सट्रा जहां गई थी कहाँ गई एमेजो के जंगल में फिर स्विटरलैंड जहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं, और फिर मैं कहा गई यहाँ पे तो वाटर वाला है ही नहीं क्योंकि वो तोटिक हो गया ना और फिर यहाँ पे आ गया आपके हाई हाई माउंटेन्स ठीक है सो दीज आर वॉट टेरिस्ट्रियल वन यहां पर लैंड है उस है क्या बोलूंगी टेरिस्ट्रियलटैक बोलूंगी क्या बोलूंगी टेरिस्ट्रियल डेजर्ट है द एनिमल्स और प्लांट्स द एनिमल्स ऑफ प्लांट द एनिमल्स और प्लांट्स काउंट found in desert in desert i can see my uncle Hi hey, uncle how are you how is your family family how is it acha hai ye ha ah, ah, ha bahut acha hai beta chale dekh le inke kya kya camel के adaptations hai desert में desert plants के क्या hai डेजर्ट प्लांट कौन से कैक्टस ग्रेव एंड एंड पाम ट्री दीज आर दीज आर प्लांट्स विच आर फाउंड इन डेजर्ट ये कौन से प्लांट्स है जो कि डेजर्ट में मिलते हैं कैक्टस तो आप सब जानते ही हो देखा है ना आपने पॉक्यूपाइंग जैसे उसके इतने क्या होते हैं चुभने वाले जल्दी बताओ काटे है ना तो भाई वो क्या है वो कैक्टस है गेव

और कैक्टस में भी क्या है बहुत सारे स्पाइक्स हैं है ना बहुत सारे स्पाइक्स हैं यू कैन सी ओवर हियर राइट आगे बढ़े यस मैम आगे बढ़ते हैं आओ अब जो इनकी स्टेम है स्टेम इज ग्रीन एंड डस फोटोसिंथेसिस इनकी स्टेम फोटोसिंथेसिस करती है क्यों दे आर वेरी दे आर वेरी दे आर वेरी ग्रीन एंड डस फोटोसिंथेसिस बेटा बिकॉज जो लीव्स हैं वहां पे क्या है वो तो रिड्यूस हो गए किस में स्पाइन में ठीक ना अब अगर मैं बात करूँ इसी में फ्लावर की हम्म जैसे अगर मैं बात करूँ नॉट द डेजर्ट प्लांट एक नॉर्मल फ्लावर की मैं अगर बात करूँ एक नॉर्मल फ्लावर जो है वो डिवाइडेड किस है स्टेमेंस में स्टेमेंस स्टीम एंड पिस्टल एंड पिस्टल है ना जो स्टीम द मेल पार्ट दिस इज द मेल पार्ट दिस इज दू है दे आर द मेल पार्ट और पिस्टल क्या है पिस्टल क्या है बेटा पिस्टल इज द फीमेल पार्ट बेटा पिस्टल इज द फीमेल पार्ट स्टीम के अंदर क्या है एंथर स्टीम के अंदर क्या है एंथर एंड फिलामेंट दैट पोलन ड्रीन दैट बियस पोलन ग्रीन इनके पास क्या है पोलिन ग्रेन है एंड फीमेल्स के पास क्या है फीमेल पिस्टल के पास क्या है हैविंग एन ओवरी एंड ओव्यूल्स क्या स्टाइल स्ट्रक्चर होता है ha? ऐसा सा क्या होता है स्ट्रक्चर होता है

वो बहुत डीप तक जाते हैं क्यों आप जानते हो डेजर्ट में क्या स्कैर्सिटी है वाटर की ताकि डीप जाके वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एक्सट्रैक्ट कर पाए ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एक्सट्रैक्ट कर पाए तो डीप रूट सिस्टम टू कलेक्ट मैक्सिमम वाटर फ्रॉम डीप सोइल फ्रॉम डीप सोइल बेटा लेट्स मूव फॉरवर्ड थिक वैक्सि लेयर ऑन स्टेम दैट प्रिवेंट्स वाटर लॉस उनके बीचों क्या होती है थिक वैक्सी लेयर होती है दैट प्रिवेंट्स ट्रांसपिरेशन जो क्या प्रिवेंट करती है बेटा ट्रांसपिरेशन प्रिवेंट करती है आगे बढ़े यस मैम चलो कैमल्स नाउ अडेप्टेशन इन कैमल्स इन बेसिकली एनिमल्स सो व्हाट आर द अडेप्टेशंस लेट मी सी कैमल्स क्या है दे आर वेरी लॉन्ग लेग्स अब अगर लॉन्ग लेग्स होंगे तो क्या होगा जो उनकी जो वो होती है सैंड होती है ठीक है वो बहुत गर्म होती है दिन में तो उससे क्या होगा Feet से उनको क्या लगेगा एक तो गर्म सॉइल नहीं लगेगी एंड दे द बॉडी अवे फ्रॉम तो बेसिकली क्या है लॉन्ग लेग्स टू कीप द बॉडी अवे फ्रॉम सैंड हॉट सैंड और तो और क्या है कैमल वेल सिचुएटेड फॉर वॉकिंग ऑन सैंड यू कैन सी दिस

कर ताकि जो सनलाइट है 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 उनकी पे डायरेक्टली ना पड़े ठीक ठीक देखा अरे कैमल बाबू के पास बहुत सारी बहुत सारी सारी चीजें बरोट जैसे कि स्नेक्स हम्म जैसे कि स्नेक्स सो दीज आर वॉट और इवन यू कैन सी माइसिस ऑल्सो ये लो क्या करते हैं ठंडक के लिए डे टाइम में किस में चले जाते हैं होल के अंदर चल जाते हैं बारों के अंदर चल जाते हैं और नाइट में जब सैंड ठंडी हो जाती है तब निकलते हैं जैसे कि स्नेक्स है ना वैसे मैं एक जादू दिखाऊ कैमल बाबू दिख रहा है मुझे यहाँ पे अभी यहाँ पे ना मुझे कैमल दिख रहा है हाँ हाय यार ये थोड़ा डरावना सा भी लग रहा है मुझे पर नहीं कैमल्स कहाँ डरते हैं मगर अगर मैं तुम्हें ले जाऊँ स्नेक्स की दुनिया में तो स्नेक से मुझे बहुत डर लगता है दिख रहा है ना चलें आगे बढ़े हाँ मैम बिल्कुल आगे बढ़ो ना डेजर्ट एनिमल्स इन बारोश यू कैन सी ओवर एयर नाइट में क्या करते हैं ये लोग निकल आते हैं बाहर ओके नाउ अडाप्टेशन इन माउंटेन्स आई पहाड़ी गर्ल तो मुझे माउंटेन्स बहुत पसंद है हम्म hmm.

अगर मैं बात करूं अडेप्टन इन बेसिकली माउंटेन्स में जो एक हाईली कोल्ड एरिया में कैसे होता है अगर मैं लेपर्ड की बात करूँ स्नो लेपर्ड वाइट कलर का होता है वो स्नो में क्या कर जाता है केमोफ्लाज कर कर जाता है केमोफ्लाज का मतलब छुप जाता है आप स्नो और लेपर्ड को ढूंढ नहीं सकते हो बिल्कुल भी नहीं ढूंढ सकते हो हम्म और तो और इन वाइट टू हाइड इन थिक फर होता है

माउंटेन गोट अब गोट तो आपको ऐसे भी मिलती है ताकि वो पहाड़ पे ईजिली चढ़ पाए कितने सारे पहाड़ होते हैं जिनकी स्टिफनेस बहुत ज्यादा क्या होती है इंक्लेनेशन बहुत ज्यादा होती है ताकि वो आराम से चढ़ पाए बेटा ठीक है चले आगे बढ़े यस मैम अडेप्टेशन इन लोग मनाली में बैठे भी होंगे okay? इनका इतना थिक फर होता है ताकि इनको ठंड ना लगे प्रोटेक्टेड फ्रॉम विंटर Grasslands। लैंड mm -hmm. मजा ही आ गया देख के अब इनकी adaptation देख ले Lions. अरे बाप रे ये क्या आ गया पता है मुझे आप हो किंग ऑफ द जंगल पता है मुझे आप हो डर तो लग रहा है चलो टाटा आ गया था ये चलो एक बार अब एक बार देख लेते फटाफट वरना क्या पता दोबारा ही आ जाए लाइट ब्राउन कलर लाइट ब्राउन कलर हेल्प्स टू हाइड इन ग्रासलैंड्स सेम वही कैमोफ्लेज वाला सिस्टम कि इनका जो डार्क ब्राउन होता है वो ग्रास में छुप जाता है तो वो देख नहीं पाते ताकि वो अपने दुश्मन मतलब जो उनका प्रे है दुश्मन तो नहीं हाँ दुश्मन भी और जो उनका प्रे है, वो से छुप पाए छुप के क्या करते हैं लोग शिकार करते हैं है ना चलो लॉन्ग क्लॉज विच कैन बी विदड्रॉन इन साइड कैन बी विदड्रॉन इन बोथ द आईज इन फ्रंट ऑफ द हेड गिव्स करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ द्रे उनकी जो आंखें होती है वो इन फ्रंट होती है ताकि वो अपने प्रे को सीधा देख पाए। ठीक है ताकि टारगेट कर पाए और डियर को बिल्कुल करके खा लेंगे है ना मुझे तो शेर से बहुत ही डर लगता है आपको लगता है ना प्लाइन से डर मुझे भी लगता है I can see this deer. Now, can run faster to escape from the predators. They are very fast. Strong teeth, chewing hard stem. Now, deer is a herbivore, है ना? हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा, long ears ताकि वो अपने इसकी predator जो अपनी predators हैं या जिनको उनको खतरा होता है ताकि वो उनकी आवाज सुन पाए, to hear the movements of the predators.

और हंटर क्या है और हंटर कौन होता है, उसे प्रेडेटर बोलते है. प्रेडेटर, प्रे क्या होता है? जिसको बेसी के लिए प्रेडेटर खाता है. और प्रेडेटर क्या है प्रेडेटर एक हंटर है तो एक हंटर और एक प्रे की विचार की कहानी चलती रहती है किसमें वही जंगल में बाई द प्रिडेटर इट्स द प्रे जैसे कि डियर इज द प्रेयर डियर क्या हो गया डियर प्रे हो गया है इधर और टाइगर टाइगर क्या हो गया है भाई टाइगर हो गया है हमारा प्रिडेटर क्या हो गया है प्रिडेटर प्रिडेटर ठीक है आगे बढ़े हाँ मैम बिल्कुल बढ़ो चलो पता है जब मैं वो स्कूबा डाइविंग की थी तो, सारे प्लांट्स दिखे थे मुझे आ, बहुत सारे. ये नहीं दिखी. शार्क नहीं दिखी मुझे से, से तो मुझे वही याद आ गया था ऑसवर्ल्ड है ना चलो एक बार देखे चलो एक्वेटिक एनिमल्स की कैसी होती है This type, ताकि वो पानी को क्या करे कट कर पाए वाटर फ्लो को कट कर पाए मूवमेंट इन वॉटरेशन देव देशन बॉडीड बाई द गिल्स के ऊपर क्या होता है ऊपर होता है ओपरकुलम ग क्या होता है ओपरकुलम होता है बेटा क्या होता है ओपरकुलम ऊपर कुलम क्या होता है जैकेट की तरह होता है बेटा गिल्स के ऊपर होता है गिल्स के ऊपर होता है जो गिल्स को क्या करता है प्रोटेक्ट करता है बेटा क्या करता है गिल्स को प्रोटेक्ट करता है चलें आगे बढ़े नाउ ब्लो होल्स डॉल्फिन्स और वेल्स दे आर द मैमल्स बेटा ठीक है डॉल्फिन्स और वेल्स क्या हैं मैमल्स हैं दे डोंट हैव द गिल्स दे हैव द लंग्स सो दे हैव द नॉस्टिल्स टू ब्रीथ एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर इट्स कॉल्ड अस इट्स गोवा no में देखने को मिलती है डॉल्फिन mm -hmm. जाऊंगी मैं इसके नेक्स्ट विकेशन गोवा चलेंगे आप भी चलना मेरे साथ लेक्स पॉन्स लेक्स में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे रहते हैं जैसे डकी डक दक. <coughs> अब अगर मैं उसमें वॉटर प्लांट्स की बात करूं तो वॉटर प्लांट्स में सम fixed in the soil that is lotus lotus and veli velisneria and wilisneria they are the water plants beta that are fixed in the soil in yeah they are fixed in soil some are floating plants kya yeah, now what is this aerenchyma beta aap agi class this is a basically layer which help in floating which help in floating. They say salvinia, water hyacinth, istia. These are what? These are the plants that floats. Okay, that floats on water. That floats on water. In Wilson area, the ribbon-like, see, this is a ribbon-like shaped leaves can be bend in water to prevent uprooting. To prevent uprooting beta. आपने देखा होगा लोटस को कभी भी उनकी जो लीव्स होती है वो फ्लैट होती है और डिस्क शेप की होती है कैसी होती है बेटा डिस्क शेप की होती है नाउ लीव एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन वॉटर बेटा लीव्स एंड फ्लावर्स जो हैं वो क्या करते हैं फ्लोट करते हैं किस पे वाटर पे लीव्स हैव अ वैक्सी कोटिंग टू प्रिवेंट वाटर स्टैग्नेशन ठीक है ताकि वाटर स्टैग्नेंट ना रहे ठीक है ठीके? चले आगे बढ़े यस नाउ लीफ स्टॉक इज फिल्ड विद एयर टू हेल्प फ्लोटिंग मैंने आपको बता दिया दिस इज नोन एज एयर एनकाइमा एयर इनकाइमा बेटा एयर एनकाइमा

उन वो लोग बेसिकली वाटर में रेस्पायर कर सकते हैं और फ्रॉग किस पे करता है लैंड पे वेब्ड फीट होते हैं ताकि वो स्विम कर पाए कैसे वेब्ड फीट स्ट्रॉन्ग बैक लेग टू टेक लॉन्गर लीव ताकि वो लंबी छलांग मार पाए ताकि वो लंबी छलांग मार पाए स्टिकी टंग होती है ताकि वो अपने प्रे को इजीली क्या करे अट्रैक्ट करे और ताकि खा सके टू कैच इट इन ठीक है Web defeat. तुम्हें web defeat दिख रहे होंगे इधर तुम इस साइड भी देख सकते हो डिफीट तुम्हें दिख रहा होगा ऐसे क्या है ऐसा लग रहा है जैसे कर सकते हैं है? चलो आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग ऑल लिविंग थिंग नीड फूड हाँ भाई फूड इज सोर्स ऑफ एनर्जी हाँ भैया फूड जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है क्योंकि फूड में क्या होता है भाई न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये तो हमने आपको बता ही चुके हैं है ना चलो चलते हैं लिविंग थिंग ग्रोज सी दिस प्लांट दे आल्सो गेटिंग दे दे आर आल्सो गेटिंग देयर न्यूट्रिएंट्स एंड देर ग्रोइंग राइट लिविंग थिंग्स टू रिस्पायर खाने के लिए एनर्जी के लिए वो खाना खाते हैं

और एनिमल्स क्या यूज करते हैं एनिमल्स लंग्स यूज एनिमल्स लंग्स यूज ठीक है animals, animals, समझ आ गया आगे चले यस yes, मैम ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग बीइंग है लिविंग टू टू बींगाई कि जो स्टूमिलाई क्या है चेंज इन एक्सटर्नल इनवायरमेंट व्हाट इज स्टमिलाई चेंज इन चेंज इन एक्सटर्नल External, external stimulus. Stimulus. Insects like cockroach move away from light. Move away from light. Some insects are attracted by the light. Some in, insects are attracted by the light. Plants respond to light. some flowers like water lily blooms at night lotus bloom in a daylight leaves of a touch me not plant drops down when it touched obviously जब हम छुईमुई प्लांट पे ऐसा टच करते हैं तो क्या होता है बंद हो जाता है वो है ना दैट इज द स्टिमुलस ये सब लोग हम देते हैं तो उनका रिएक्शन देखने को मिलता है तो हमें पता चलता है जो प्लांट है वो क्या है वो लिविंग है है ना चलो बस हो गई अपनी गाड़ी खत्म समझ आया कैसे किया मजा आया अलग अलग हैबिटेट घूम के चलो तुम सब लोगों ने मुझे कहा था गाना सुनाने को है ना किसी ने मुझे बोला केसरिया सुना दो मैम किसी ने बोला अपने मन पसंद का सुना दो किसी को चलना मेरे यहाँ सुनना था अब मैं फिर भी बड़ी कंफ्यूज सी हो रही हूँ तो मुझे समझ नहीं आया ठीक है तो गाना फिर कभी सुना देंगे है ना तब तक के लिए Uh, मिलते रहेंगे सफर पे बीच बीच में अभी के लिए अलविदा लेना चाहिए है ना यू एंड थैंक यू फॉर द लेक्चर बाय